हायर एजुकेशन समिट से आप क्या यहाँ पर इस मंथन से इस समिट से क्या चीज़ निकल के आई और इसको करने का क्या पर्पस था और इस तरीके के इवेंट्स दिल्ली में होते रहते हैं उसका क्या बेनिफिट्स हैं आज के बच्चों को? ये जो इवेंट हुआ है इससे हमारा तो यही था उद्देश्य कि इससे हमारे जो बच्चे हैं बच्चियां हैं उनको प्रेरणा मिले कि और बेहतर हम करें और भी अवार्ड मिले। दुनिया काफ़ी तेज़ी से बदल रही है और हमें तैयार रहना चाहिए और जो भी परिश्रम करना है इसके लिए वो हमें करना चाहिए। दूसरी बात है कि पढ़ाई के जो ढंग हैं वो भी हमें बदलने चाहिए क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक जो बच्चियां हैं वो जिस तेज़ी से दुनिया बदल रही है उसमें वो लोग नाकामयाब रहेंगे। मोदी यूनिवर्सिटी इज वुमेन, सिर्फ वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, कुछ उसके बारे में बताएं। सी, मोदी यूनिवर्सिटी इज एन एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन। दिस हैज़ बीन स्टार्टेड इन 1989, मच बिफोर देर वॉज दिस बज वर्ड ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे जो मोदी जी हैं आरपी मोदी, उनकी ये विजन थी कि जो बच्चियां हैं जिनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता उनको हम पढ़ाएं और उनके थ्रू समाज को आगे ले जाएं। तो इसीलिए ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर 4000 बच्चे पढ़ते हैं, हमारे यहाँ स्कूल है, 6 कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग के, लॉ के, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के, आर्ट्स साइंस फैशन डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के। तो यहाँ पर हम ना सिर्फ उनको पढ़ाते हैं उनको भारत संस्कृति के बारे में भी हम बताते हैं और वो लोग इसमें पूरा भाग लेते हैं। हमारे कैंपस में एक भव्य तपोवन भी है जिसमें हर रोज़ यज्ञ होता है और आरती होती है जिसमें सब बच्चियाँ आके भाग लेती हैं।